नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूबीपीसीएस 2021 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी लोग देख लिए होंगे। नोटिफिकेशन की वीडियो भी डाल दी गई थी, जो भी मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी वो रमन सर द्वारा आपको बता दिया गया था। आप सभी लोग फॉर्म जो है फिल कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो अगर आप हमारे संस्था से जुड़े हैं तो आप संस्था के द्वारा जो दिए गए नंबर हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके फॉर्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको फिल करने में तो वो पूछ सकते हैं। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। संस्था ने यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए जो 13 जून को प्रस्तावित है उसके लिए बैच स्टार्ट किया है, जो प्री फोकस बैच है। इस बैच के अंतर्गत हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, कितने दिन का ये बैच होगा, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये बैच प्री फोकस है, इसमें आपकी क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी, हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको कैसे कैसे जो है गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो इस सब चीज़ों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो इस बैच में क्या क्या हम दे रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार नज़र देख लेते हैं कि इस बैच में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी फ़ी क्या है, ये सब कुछ मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। और ये भी ध्यान रखिए कि इस बैच का रजिस्ट्रेशन आज से, ठीक है, 6 तारीख है सैटरडे से, आज से ही स्टार्ट हो चुका है। और इस बैच का जो स्टार्ट है, इस बैच के जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपकी 8 तारीख मतलब मंडे से स्टार्ट होंगी। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसको प्री की क्लासेस लेनी है और वो चाहता है कि मेरी कोई भी क्लासेस छूटे ना तो वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप प्रॉपर संस्था के साथ जुड़ जाइए और क्लासेस आप अपना रेगुलर करते रहिए। जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी नोट्स दिए जाते हैं उसको संस्था द्वारा जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे आप पढ़ते रहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप जो 13 जून को आपका युद्ध होने वाला है उसमें क्या होंगे, आप जरूर विजय प्राप्त करेंगे। तो चलिए बैच के बारे में मैं बता देता हूं। इस बैच में ये टोटल 120 दिन का बैच डिजाइन किया गया है आपका, ठीक है, जिसे हम नाम दिए हैं टारगेट बैच, क्योंकि ये पीसीएस प्रीप के लिए फोकस किया गया है 2021 के लिए। इस टारगेट बैच में हम 150 से प्लस आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस देंगे। ठीक है, बाकी आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, तो मगर 150 प्लस लाइव क्लासेस होंगी इसमें। साथ ही साथ में आपके इसमें 20 टेस्ट होंगे, जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं और आपके पूरे नए पैटर्न पे, जो आयोग का अभी देखा जाए 2019 2020 कि जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, कैसे कैसे वो क्वेश्चन उठा रहा है, इन सब के पैटर्न को देखते हुए टीम ने डिसाइड किया कि इसमें 20 टेस्ट देंगे, ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो सके, आप उस पैटर्न से अभ्यास कर लें कि हमें कैसे फाइट करना है। तो इस 20 टेस्ट में कुछ टेस्ट आपके फुल लेंथ होंगे, 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ होंगे, बाकी 6 टेस्ट आपके जो होंगे वो आपका विषयवार टेस्ट होगा। जैसे कि आपका पूरा का पूरा हर एक जो बोला जाए आपका सब्जेक्ट है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे कभी भी छूटे ना। जब भी एग्जाम में आ जाए तो आपको लगे हाँ इस विषयवार से ये वाला क्वेश्चन आपका आया है। तो इसीलिए हमने 6 विषयवार टेस्ट रखे हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी आपके विषय हैं उन सबके 6 विषयवार टेस्ट होंगे, 150 क्वेश्चन के होंगे। उससे पूरे आपके सब्जेक्ट के जितने भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसके फंडा हम क्लियर कर देंगे टेस्ट के माध्यम से। प्लस आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं, 2 सीसेट रखा गया है। सीसेट आप जानते हो ज्यादा वेटेज नहीं होता है, आपको 100 क्वेश्चन से 33 क्वेश्चन सही करना होता है, क्वालिफाइंग होता है। उसके लिए भी हम आपको क्लासेस देंगे जिनके सीसेट कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के जीएस तो निकल जाते हैं, सीसेट नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैथ रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मैथ रीजनिंग में, तो इस वजह से नहीं निकल पाता। तो वो चीजें भी हम आपका पूरा कराएंगे, सीसेट का पोर्शन भी कवर कराएंगे, साथ ही साथ सीसेट का टेस्ट भी हम दे रहे हैं और 2 आपके समसामयिक टेस्ट भी दे रहे हैं, जो करंट अफेयर का टेस्ट है, जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आपके पेपर में जहां से सवाल बनते हैं वो करंट अफेयर, 30 से 35 क्वेश्चन तक आपके सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। पिछली बार जो हमने 2 करंट अफेयर के टेस्ट कराए थे पीसीएस में, वहां से हूबहू बिना लैंग्वेज चेंज किए क्वेश्चन पूछ दिया गया था। काफी बच्चों ने जब बाद में फीडबैक दिया हमें पेपर देने के बाद, बोला सर आपका जो
करंट अफेयर का टेस्ट था, उसमें से तो बिना कोई सेंटेंस चेंज किए हुए क्वेश्चन वैसे ही वैसे आ गया था। तो वो काफी आपको हेल्पफुल रहेगा, जितने भी संस्था द्वारा जो भी चीजें कराई जाएंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया जाएगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा, इसमें साथ में आपको बुकलेट नोट्स दिख रहा है, ये सभी विषयों के शॉर्ट नोट्स होंगे जिसमें आपको मैक्सिमम जो भी आपके न्यू पैटर्न पे होंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि हम फैक्ट उठा के रख दिए हैं, हम फैक्ट के साथ साथ आपके उस कॉन्सेप्ट को रखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कथन कारण के क्वेश्चन आ गए तो वो कैसे आप रिलेट कर पाओगे, तो वो सब चीजें नोट्स को पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जब आप वीडियो क्लासेस और नोट्स दोनों को फॉलो करेंगे तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी सिवाय प्रीवियस ईयर के, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो जरूरी होता है हर एक एग्जाम में आपको देखने के। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्लास और उसके नोट्स भी आपको इस बारे में पूरा दिया जाएगा, और जो टेस्ट होंगे उसके व्याख्यात्मक पीडीएफ, ठीक है, प्रश्न होगा जस्ट उसी के नीचे आपके ऑप्शन, उसी के नीचे आपके व्याख्या होगी, ठीक है, और आप उस पूरी पीडीएफ जब लास्ट तक आपके पास 20 टेस्ट हो जाएंगे, लास्ट मोमेंट में आप पढ़ लोगे उस पूरे 20 टेस्ट को, तो आपका मैं बता रहा हूं 13 जून में कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो लगेगा कि पूरा का पूरा यहीं से पूछा गया है। अगर आप ईमानदारी से टीम के साथ जुड़कर जितना टीम मेहनत करती है उससे दो गुना वर्क आपको करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरे जो एक तरह से मैं बात करूं इस बैच में कि यह आपको मोटा मोटा मिलेगा। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम का इशू हो, जो भी इशू हो, तो उनके लिए टीम ने डिसाइड किया है कि एक अलग से बैच बनाया जाए जिसका नाम रखा गया है टेस्ट सीरीज बैच, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज बैच है। इस टेस्ट सीरीज बैच में आपको वीडियो क्लास नहीं अवेलेबल होगी, बाकी आपको जो चीजें यहां पे मिल रही हैं, 20 टेस्ट आपको दिया जाएगा, उसके पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपके शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे हर विषय के, ठीक है, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, जिसकी प्राइस आपकी 799 है, और फुल बैच की जो टारगेट बैच का है उसकी प्राइस आपकी 1499 है, ठीक है। इससे पहले हमने एक बैच चलाया है जो फाउंडेशन बैच के नाम से, जो प्री कम्सपेंस है, वो 9 मंथ का कोर्स है, वो आपका ऑलरेडी चल रहा है, ठीक, लेकिन ये प्री फोकस है, डायरेक्टली एकदम आपका 4 महीने सिर्फ प्री के सिलेबस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्री के लिए बैच हो गया। अब हम देख आपको एक बार एक झलक दिखा देते हैं कि जो हम नोट्स आपको देंगे वो कैसे आपके होंगे, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे। जैसे यहां पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहां देखिए ये भारतीय इतिहास है, इसी में आपके आपका एंशियंट, ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न सभी पोर्शन कवर किए जाएंगे, जो आपके मैक्सिमम जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2020 की बात करें तो वहां तो सब में बराबर बराबर था, लेकिन मॉडर्न मॉडर्न के पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ पूरे फैक्ट कवर कराए गए हैं, ठीक है, एंशियंट के भी पूरा आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को भी जहां से क्वेश्चन उठाता है वो भी इसमें डाला गया है। साथ ही साथ पूरा पॉलिटी आपको दिया जाएगा कि पॉलिटी दवाई सबसे आसान है, ठीक है, आप नोट्स पढ़ लो, मैं पॉलिटी के बारे में बोलता हूं, आप नोट्स पढ़ लो, लेक्चर देख लो, कुछ भी मत छूना इसके अलावा, ठीक है, कुछ भी मत छूना, पूरा का पूरा आपका जितने क्वेश्चन आएगा ना यहां से आ जाए तो बताना, ठीक। उसके बाद से आपका पूरा भूगोल है, इस भूगोल में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपसे स्टैटिक के फॉर्म में पूछता है वो भी कवर रहेगा, और आपका इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ रहेगा, और जितने भी रिसेंट डाटा है आपके, ठीक है, जियो से रिलेटेड, वो सब कुछ पूरा अपडेटेड इसमें आपको मटेरियल मिलेगा, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो, जितने भी अपडेटेड होंगे, जितने भी न्यू अपडेट हुए हैं, सब कुछ आपको जो है लेटेस्ट अपडेट के साथ मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही साथ इस कोर्स के साथ, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन पीसीएस प्री का आ चुका है, अभी आरओ का नहीं हुआ आया है, तो आरओ का नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। आरओ का भी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो लोग इच्छुक हैं आरओ बैच में एडमिशन लेने के लिए वो आरओ का फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो। अब एडमिशन की बात आती है कि हम एडमिशन कैसे ले सर, तो एडमिशन का प्रोसेस वही है जो मेरे पुराने बच्चे हो वो जानते हो कि एडमिशन कैसे लेना है, जो नए हो मैं बता दे रहा हूं कि आपको एडमिशन प्रोसेस क्या करना है, कि आप ध्यान रखो, आपको गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, किसे गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, क्या है परीक्षा प्लस ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करिएगा। न्यू यूजर हो तो नया रजिस्ट्रेशन करिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन कोर्सेज में जब आप जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज में जाएंगे तो वहां आपको कोर्स दिखेगा,
वहां एक कोर्स होगा यूपीपीसीएस प्री फाउंडेशन बैच, यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच होगा, प्री नहीं होगा, फाउंडेशन बैच होगा, उसे आपको नहीं करना है क्योंकि वो फाउंडेशन बैच है, उसमें प्री कम्स मेंस वाला प्रोसेस चल रहा है, आपको टारगेट बैच करना है। ठीक है, नाम लिखा होगा यूपीपीसीएस 2021 प्री टारगेट बैच, उसको चूज करना है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तब आप टारगेट बैच में रजिस्टर होंगे। ठीक, जिसकी फीस 1499 है और फाउंडेशन की जो फी है वो 1999, उसमें कोई टेस्ट सीरीज वरीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो आरओ के लिए इच्छुक हैं वहीं पे आरओ का फाउंडेशन बैच लगा हुआ है, वो आरओ में रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, टैकी नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जो संस्था का नंबर है आपको मैं एक बार दिखा दूं रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको देखिए संस्था के नंबर पर 9450006007, ये आपका संस्था का नंबर है, इस पे आप क्या लिखकर भेज सकते हो, ज्वाइन, ठीक है, यूपीपीसीएस 2021, ये लिख के आप सेंड कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एक एक स्टेप के साथ बहुत आसानी से बता दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपका बैच के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप पूछना चाहते हो कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हो। ये नंबर हो गया, और दो नंबर और है हमारी संस्था के, अगर कहीं इंगेज आता है ये नंबर तो आप इन दोनों नंबर पे भी ट्राई कर सकते हो, 9129607080, 8115 87955, इन सभी नंबरों पर आप कॉल और या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इस बैच के लिए रजिस्टर हो सकते हो। तो रजिस्टर होने के लिए क्या करना है आपको, ज्वाइन यूपीपीसीएस 2021 लिखकर आप व्हाट्सएप के थ्रू इन तीनों नंबरों में किसी एक नंबर पे आपको भेजना है, नहीं कि एक ही लोग तीनों पे भेज दिए। ठीक, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का हो गया। अगर कोई दिक्कत उसमें भी आती है भाई व्हाट्सएप करने पे भी, तब आप क्या करो, सीधे फोन घुमा लो संस्था को, ठीक है, आपको सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये तो हमारे कोर्स के बारे में रहा, इसके बाद से हम आप बात करते हैं कि रणनीति। सर 120 दिन का ये कोर्स हमने बना दिया, तो 120 दिन की आपको रणनीति भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, उस रणनीति को बताने के लिए आपके सामने आलोक सर आएंगे, आपको बताएंगे पूरी बेहतरीन रणनीति कि 120 दिन में पीसीएस के लिए कैसे हम टारगेट करें, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ें और उस सब्जेक्ट के क्या क्या पोर्शन पढ़ना है, वो आपके सब्जेक्ट के टीचर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रणनीति बताएंगे। आलोक सर आपको बताएंगे फुल रणनीति कि आपको किसको किसको टारगेट करना है, किस किस सोर्स पे जाना है। ठीक है, ये वहां से आप जान लोगे कि 120 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं 8 तारीख से, मंडे से, आपको सब्जेक्ट के सभी टीचर, ठीक है, जो जिनका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट वाइज आपको रणनीति बताएंगे कि बच्चा ये हिस्ट्री है तो इस हिस्ट्री में हमें पोर्शन पे किस पे आपको पढ़ना है। अगर एंशियंट हम पढ़ रहे हैं तो हमें पाषाण काल नहीं पढ़ना है, हमें कहां से शुरू करना है, हमें इंडस पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो प्री जहां को टारगेट करता है, तो ये रणनीति आपके लिए बहुत जरूरी है और एक बेहतरीन मार्गदर्शन भी जरूरी है, जो आप लोग जब हमसे जुड़ेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन होगा तो वहां आपको एक बेहतरीन रणनीति और एक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम में आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप संस्था के दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।